हिमाचल प्रदेश मास्टर एथलेटिक प्रतियोगिता का आगाज हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। प्रदेश स्तरीय इस प्रतियोगिता में 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 55 प्लस आयु वर्ग के अधिक आदि आयु वर्ग के एथलीट 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 5000 मीटर आदि दौड़ के अलावा लॉन्ग जंप हाई जंप जेवलिन थ्रो आदि स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। प्रदेश स्तरीय इस प्रतियोगिता में 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 55 प्लस आयु वर्ग और अधिक आयु वर्ग के एथलीट 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 5000 मीटर आदि दौड़ के अलावा लॉन्ग जंप हाई जंप जेवलिन थ्रो आदि स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी 9 से 14 फरवरी को इम्फाल मणिपुर में होने वाली नेशनल मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता में पहले दिन ठंड की परवाह किए बगैर 5000 मीटर के 45 आयु वर्ग में तर्पृष्ठ ठाकुर ने जीत हासिल की, तो वहीं 40 प्लस में पठानी ने गोल्ड और अनूप प्राशन ने सिल्वर मेडल जीता। विजेता खिलाड़ियों ने मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से फिट रहने की सीख मिलती है और बढ़ती आयु किसी खेल के लिए अवरोध पैदा नहीं करती है। इस तरह के इवेंट और स्पेशली 35 साल से ऊपर के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद इस तरह के इवेंट जो है वो रहेगा हम लोगों के लिए भी, और वो लोग जो 35 साल से ऊपर हैं 100 साल तक, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज अभी हमने 5 किलोमीटर का इसमें पार्टिसिपेट किया, 40 प्लस वाले ग्रुप में पठानिया जी पहले नंबर पे आए और मैं दूसरे नंबर पे रहा। अब हम जो है वो मणिपुर में जाएंगे अगले महीने राष्ट्रीय स्तर के लिए। आज ये जो हमीरपुर में स्टेट लेवल एथलेटिक मीट मास्टर्स की हो रही है, इसमें मैंने 5000 मीटर में पार्टिसिपेट किया 45 प्लस एज ग्रुप में, और 26 मिनट में 5000 मीटर समाप्त करके गोल्ड मेडल जीता ट्रैक से बाहर। इस समय पहली और ये अभी चली हुई हमीरपुर की 5000 मीटर बहुत बड़ी पहल है जो सेक्शन 35 साल से ऊपर के एथलीट्स को एक मौका दिया जा रहा है स्टेट लेवल नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो लंबी आयु जी सके। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आज हर व्यक्ति को फिट रहने की आवश्यकता है और मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन इस दिशा में सही कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रतियोगिता में पूर्व खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसको देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से सबका मनोबल बढ़ता है। मास्टर्स 2020 एथलेटिक्स टूर्नामेंट का ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट है, इसमें मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बधाई देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बस्ती एसोसिएशन को, जिन्होंने हमीरपुर में इस इवेंट को कराने का ये प्रोग्राम बनाया। बहुत अच्छी बात है कि आदमी को फिट रहने के लिए हर एज में, चाहे वो एक्सरसाइज के द्वारा चाहे वो योगा के द्वारा, फिट रहने के लिए उसको दिन में कुछ ना कुछ समय देना चाहिए। और आज यहाँ पर जो हमारे पास्ट एथलीट रहे हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमीरपुर जिला में जो हमारे ओल्ड यंग एथलीट हैं उनको भी यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। आने वाले समय में इस टाइप के आयोजन से हमें प्रेरणा भी मिलेगी और हमारे जो ओल्ड लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं उनको फिट रहने के लिए यहाँ से वो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। एक बार फिर पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे एथलीट्स
कुछ तो यहाँ पर इंटरनेशनल एथलीट हैं, कुछ एथलीट यहाँ पर 90 ईयर्स ओल्ड के भी आए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहाँ होने जा रहा हूँ। मैं इसको सफल आयोजन के लिए, 2 दिन का ये आयोजन है, मैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी व स्टेट बॉडी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और आइंदा आशा भी रखता हूँ कि इस तरह के इवेंट जो हैं भविष्य में भी जारी रखें, ताकि हमारे जो ओल्ड एथलीट है या जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं वो यहाँ से सदैव फिट रहने के लिए प्रेरणा हासिल करें।